आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। नाजरीन, और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला किमाणी में, और आप देख सकते हैं कि जिला किमाणी की ये जो सड़कें आपको नजर आ रही हैं, ये सड़कें कुछ टाइम पहले ऐसी सड़कें नहीं थी। इनका हाल भी कराची के दीगर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सड़कों की तरह जो है वो इनका हाल था, लेकिन अब जिला किमाणी की ये जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बन चुकी है, काफ़ी हद तक बन चुकी है। और साथ ही में जो है वो यहाँ के इलाका मकीम जो कि किमाणी में रहने वाले रिहायशी हैं, उनका कहना है कि यहाँ की दीगर जो एक वारदातें थी, क्राइम की वारदातें थी, उनका रेशो भी काफ़ी हद तक कम आया है। लेकिन ज़िला किमाणी में सबसे एक चीज़ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी भी जो है जिसका जिन बेकाबू है, और कहीं ना कहीं ज़िला किमाणी की इंतज़ामिया इसको काबू करने में नाकाम नजर आए हैं, वो है जी मनुष्यात। कि मनुष्यात की फरोख्त वो यहाँ पर जो है वो अभी भी उस पर रोकथाम नहीं की गई है, लेकिन जो है वो यहाँ की सड़कों को बना दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो काफ़ी हद तक कायम कर लिया गया है। मज़ीद लोगों की जो है वो क्या मसाइल है ज़िला किमाणी के, उनसे जानते हैं, और इन सड़कों के बनने पर वो क्या कहते हैं वो भी उनसे जानते हैं। तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये ज़िला किमाणी में सड़कें जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा, अब फाइनली अब यहाँ पे सड़कें बन गई हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह से पहले तो ये था कि यहाँ से मारीपुर जाना बहुत मुश्किल होता था, तकरीबन मेरा बचपन इधर ही गुजर चुका है, ठीक हो गया माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो अब काफ़ी है कि बंदा आराम से जाना चला जाता है यहाँ से। सर क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो है वो बाइक वालों को ही होता है, उनकी बाइक्स पंचर हो जाती है, इसकी वजह से हाँ भी ये शेरशाह का एरिया वो रह गया जिसकी वजह से वो डस्ट हो रहा है, ये इलाके बहुत क्लियर हो गया माशाल्लाह से। लेकिन सर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने हेलमेट भी पहना हुआ है और आप प्रॉपर मतलब लग रहा है आपके बाहर ही गए हुए आराम से, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो सर ये बताइएगा कि मज़ीद जो है वो कौन सी चीज़ को बेहतर होना चाहिए? यहाँ पे कुछ वसाइल हैं वो एरिया वाइज हैं, बाकी क्राइम वगैरह तो आपको पता है कराची में कहीं काफ़ी सारे, बाकी वो बेहतर है माशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, और थैंक यू सो मच जी। अब मज़ीद भी लोगों से पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर होनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर क्या देखते हैं आप कि इन सड़कों को बना दिया गया है, ये कौन सी तब्दीली है जो यहाँ ज़िला किमाणी में नज़र आई है? भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ जो ना लोगों को बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये सड़कें जो बनी है उस पर खुश नहीं आप? ये कोई सड़कें बनी, अभी एक बारिश होगी ख़त्म। आप ये कह रहे हैं कि बारिश होगी तो ये खत्म हो जाएगी? ओ? तो ये ऐसी सड़कें बनती क्यों हैं कि जो बारिश आए और खत्म हो जाए? भाई जब बारिश आता है तो पानी आता है, पानी आता है तो बाकी आप समझदार हैं। सर आप क्या कहेंगे सर इस पे? किसके बारे में? सर बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश आता है पानी, सीवरेज से ही नहीं है हमारा, ठीक ही नहीं है सीवरेज, अगर ठीक होगा तो पानी डायरेक्ट नालों में चला जाएगा, तो रोड महफूज रहेंगे इससे। जितना ये लोग रोड पर खर्चा कर रहे हैं हर कुछ टाइम बाद, बहुत सालों बाद करते हैं, हम बचपन से जवान हुए, ट्रक अड्डे का रोड अभी बनाइए सारा, अभी बेहतर बनाए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मेहनत की है इस बार, बाकी हम जवान हो गए, हमने उन्हें नहीं देखा था ये रोड बनाए, अभी बनाइए, एक साल हो रहा है मेरे ख्याल से इस बार अच्छा बने। ये भी एक साल हुआ है तो क्या लगता है कि बारिश आएंगी तो ये खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ये 100% खराब हो जाएगा, ये इससे पहले कभी पानी रोकते अभी भी, क्योंकि हम हमारा डेली का आना जाना यहाँ काम करते हैं ना, तो पानी रुकता है, बारिश होता है पानी रुकता है, तो जाहिर सी बात है पानी पानी रुकेगा, पानी तो अपना जगह बनाएगा, खराब कर देगा जमीन को सारा, रोडों को। अच्छा इससे पहले कभी आपने देखा है कि ये सड़कें बनी हो या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं नहीं इससे पहले नहीं, एक दो दफा बने बस, ऊपर ही ऊपर बस हल्का फुल्का डाम्बर गिरा है और रोलर चरा है बस, महीनों के अंदर खत्म, एक महीने ये सारा रोड खराब था पहले पीछे वाला, इतने कट्टे गाड़ियाँ कल्टी होती थी, ट्रेले कल्टी होते थे, लोग महफूज नहीं होते थे, अभी बेहतर है इस बार माशाल्लाह अच्छा किया। मजीद हम लोगों से पूछते हैं कि वो जी क्या कह रहे हैं, ये भी हम देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या देख रहे हैं आप कि ये सड़कें बनी हैं, एक साल हुआ है इसको बने हुए, तो क्या लगता है ये कायम रहेंगी या खराब हो जाएंगी? नहीं ये खराब हो जाएगी, इसका मटीरियल सही नहीं है। हाँ ये जब बारिश आती है ना, ये हेवी रोड है, इस पर हेवी ट्रैफिक होती है, रोड बैठ जाता है, और बारिश चेक करें ना, जगह जगह से क्रैक हो गई हैं, अभी जाएँ आप आगे थोड़ा राउंड लगाएं, वीडियो बनाएं, आपको पता चल जाएगा बारिश के पानी से सारी पुरवारें बैठ गई हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बारिश तक की चांदी है, बारिश के बाद दोबारा रोड खराब? बिल्कुल रोड खराब, वही ट्रक अड्डा जाम, आवाम के लिए परेशानी, जो हम लोग रह रहे हैं हम लोगों के लिए परेशानी। ये पहले कभी आपने देखा है ये सड़कें बनते हुए यहाँ?
पहले तो कभी नहीं बनी, इस दफ़ा बनी है लेकिन कुछ बेहतर बनी है, लेकिन जो इन लोगों ने टेंडर पास करवाया ना वो चीज़ नहीं बनी। हाँ ये आप मुझे बताइए कि ये खर्चा ये एक बार में कर रहे होते तो ये काम मतलब ठीक से क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि इनके फिर खांचे कहाँ जाएंगे गवर्नमेंट के, गरीब आवाम को कहाँ धक्के खिलाएंगे, यही तो रोना होता है। ये अपने टेंडर पास करवा के अपने जेब भरते हैं, गरीब आवाम धक्के खाती रहे, यही होता है और तो कुछ नहीं होता है यहाँ। सही मतलब ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोड बनते हैं इसलिए ताकि अपने खांचे जो है वो पूरे किए जा सके। सर आप बताएं आप क्या कहेंगे कि ये जो रोड बने हैं तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ बारिश की मार है? देखो सबसे रोड बनने से पहले ये नहीं है कि खैर काफ़ी अस्थियाँ आई है, रोड बनाए काफ़ी रनिंग की है। रोड बनाना मुश्किल नहीं है, उस पर मटेरियल डालना मुश्किल है। जैसे कि पहले आप ने अक्सर शायद बचपन में देखा होगा कि रोड़ी डालते थे, रोड़ी डाल के उसके बाद रोड बनता था। अब मिट्टी डालते हैं, अब मिट्टी डालने के बाद बारिश के बाद वो मिट्टी निकल जाता है, सर्विस लेन में निकल जाता है, सर्विस लेन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद वो खाली डाम्बर रह जाते हैं। जब लोड गाड़ी उस पर आती है तो बैठ जाता है। अब जब उसके और पानी जमा होएगा तो मिट्टी नीचे से निकलेगा तो रोड डैमेज ही होगा। अब जैसे कि रोड पहले बनते थे और रोड आज भी बन रहे हैं, वही हुक्मरान पहले थे वही आज भी है, खाली एक मेंटेनेंस में थोड़ा सा कि ये जल्दी लेवल हो जाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इतना सा फर्क है। मतलब मेहनत नहीं करते, मेहनत से बात सिर्फ मेहनत की बात है कि उस टाइम मेहनत में और आज के मेहनत में बहुत फर्क है। अब मिट्टी डाल दिया आदमी, मिट्टी एक करश से डाल दिया, बारिश हुआ मिट्टी निकल गया करश रह गया। अब एक गाड़ी हमारी मतलब कि ये गाड़ियाँ जाती है किसी के ऊपर 20 टन है, किसी के ऊपर 25 टन है, किसी के ऊपर 40 टन है। अब आदमी जब इतना लोड हल्का 10 टन वाला वजन भी उसके ऊपर जाएगा तो रोड बैठ जाएगा। जब वो रोड बैठ जाता है तो वो किसी मतलब कि ठेकेदार को किसी उसको नुकसान नहीं है, ये नुकसान है ट्रांसपोर्ट को। जब हमारा ट्रांसपोर्ट डैमेज हो जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट जैसे रास्ते में रुक जाते हैं, उसमें क्या है एक हम लोग की मनशियत पे असर पड़ जाता है कि अब एक गाड़ी हमारी कमाती है 1000 रुपया, हम खर्चा करते 2000, तो हम कहाँ से लाएंगे? देखिए आप सही कह रहे हैं कि अगर रोड टूटते हैं, सड़कें जो है वो टूट जाती है तो सबसे बड़ा जो असर होता है वो जाहिर सी बात है कि एक इंसान की मईशत पे पड़ता है, क्योंकि उसकी गाड़ियाँ डैमेज हो रही है, चाहे वो बाइक वाले हों या अपनी जाती उनकी गाड़ियाँ हों। और अगर आप ये रोड देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से ज़्यादा गुजर रही होती है। तो इस वजह से जो है वो ये रोड, अगर हम पहले बात करते हैं गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले की बात करें तो यहाँ पर जो ये रोड था वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का यहाँ सामना था। लेकिन अब जो है वो ये रोड बना तो लिया है, लेकिन यहाँ के इलाका मकीन का ये कहना है कि ये रोड कब तक रहेगा, क्योंकि कराची में जब भी पानी आता है, जब भी बारिश आता है तो पानी आता है, और जब भी पानी आता है तो हमेशा से जो है वो कराची के रोडों का बहुत बुरा हाल होता है। तो देखना ये है कि कब तक ये कायम रहता है। मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो रोड बना है, ये आपको क्या लगता है कि कराची की मुख्तलिफ जिस तरह से मुख्तलिफ शाराएँ हैं वो बनती हैं वो फिर टूट जाती है, तो क्या लगता है आपको ये भी टूट जाएगा? ये सब टूटेंगे, कोई बनने वाला नहीं है, ये एक बारिश का काम है, एक बारिश हो जाएगा बिल्कुल रोड सारा खराब खत्म। सर लेकिन ये भी तो देखिए कि बना तो है ना, बना है ना, आधा पैसा जेब में और आधा रोड पे लगा है, ये काम तो नहीं हुआ है। देखो अभी से सारा मटेरियल उठने वाला है। तो आपको ये लगता है कि ये जो रोड बनाते हैं, एक तो बनता नहीं है, फिर जब बनाते हैं तो इतना नाफिस मटेरियल होता है कि वो फिर एक बारिश के बाद ही टूट जाता है? एक बारिश का काम है, सिर्फ एक बारिश होने दो बिल्कुल रोड खत्म हो जाएगा सारे का सारा, और फिर दोबारा आवाम जलील और ख्वार होएगा। इनको क्या है, इन्होंने तो जेबें भर लिए। नहीं, हम मजीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जिला की माड़ी की सड़कें हैं अब काफी हद तक जो है वो बेहतर हो गई है, बन गई है, उनको किस तरह देख रहे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, सही है, पहले से बेहतर है।
सर आपको क्या लगता है कि ये जो कराची की मुख्तलिफ सड़कें हम देखते हैं कि वो टूट फूट का शिकार होती है, लेकिन किमाड़ी वाले जो अब ज़िला किमाड़ी के इंतज़ामिया वो तो कह रहे हैं कि हम किमाड़ी को जो है वो बिल्कुल अब तो ख़राब होने ही नहीं देंगे, इतनी हम उस पर जो है वो मज़ीद काम करेंगे, उस पर क्या लगता है होगा? नज़र तो आसार आ रहे हैं, माशाल्लाह सही काम हो रहा है, तकरीबन जहाँ भी जा रहे हैं बाइक पे हमारा घूमना होता है तो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले के क्या हालात थे? पहले बहुत गंदे हालात थे, ये रोड इतनी गंदी थी, इधर बंदा जाता था पूरा भोला बन जाता था मिट्टी के साथ, वो बंदर बन जाता था, बस आजकल माशाल्लाह उससे बेहतर है। तो मतलब आपको लगता है कि अब जो है वो किमाड़ी के हालात बदल सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर क्या देख रहे हैं आपके किमाड़ी में जो है वो, अगर हम बात करें कि मंशियात कंट्रोल नहीं होती सर? इसकी कोई गारंटी नहीं है, पोल्ट्री तो इतने ज़्यादा है, ये मैं गुलबई से भी देख रहा हूँ तो जितने गुलबई में, तो मंशियात के बारे में अगर एक्शन कोई उठाए, गवर्नमेंट उठाए, हम लोग उठाएँ, मंशियात के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी रोड की हालात की बात करो तो इंशाल्लाह सही नज़र आ रहे हैं और हो जाएंगे इंशाल्लाह जो सही। मतलब ये कह रहे हैं कि कराची में किमाड़ी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, अब काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन जो है वो अगर दीगर चीज़ों की बात की जाए, दीगर मसाइल की बात की जाए, चाहे वो मंशियात हो, चाहे वो थोड़ी क्राइम की वारदातें हों, उस पर अभी भी इंतज़ामिया को जो है वो भरपूर तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। सी आप सलाम, क्या समझ रही हैं आप कि ये जो कराची की अब सड़कें जो हैं वो काफ़ी हद तक ज़िला किमाड़ी में बन गई हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये कायम रहेंगी? बस मुझे तो ऐसी बात का कुछ पता नहीं है, बाकी आगे मजीद कुछ हमें कभी ऐसी बातें कोई नहीं है, इसी बारे में मुझे कोई सोच। लेकिन कितना मुश्किल होता है कि किसी टूटी फूटी सड़क पे आप जा रही हैं, उसमें आप जाहिर सी बात है कि इंसान की हड्डियों में भी दर्द होने शुरू हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल है, हम कितने परेशान और मजबूर हैं इन टूटी फूटी सड़कों पे चलने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम? अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है ना? जी जी, अभी तो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब आप खुश हैं कि फाइनली थोड़ा बेहतर है? जी जी बिल्कुल बेहतर है। इससे पहले के क्या हालात थे आप? पहले तो एकदम से खटारा थे और खड्डे सारे टूटे फूटे रोड थे, अब तो अल्लाह का शुक्र है पहले से काफी बेहतर है। क्या लगता है ये कायम रहेगा या नहीं रहेगा? लगता है हो जाए शायद। मतलब अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब ऐसा हो सकता है कि किमाड़ी के जो है वो अब जिला किमाड़ी के हालात बदल जाए? हाँ तो ऐसे सही है लग रहा। मतलब हुकूमत काम कर रही है, क्या लगता है? हाँ सही कर रही है अपना काम तो हुकूमत, हाँ कर रही है। अच्छा मुख्तलिफ अगर देखा जाए वारदातों के हवाले से किमाड़ी में, तो किमाड़ी की जैसे मंशियात यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह तो बस अभी हुकूमत ही जाने, हम क्या कुछ कर सकते हैं आपसे, आपको सॉरी। सही बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मुझे लगता है होनी भी चाहिए हुकूमत की। मजीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। सर ये बताइएगा कि ज़िला किमाड़ी में जो है वो सड़कों के, तो चलो अब हालात बेहतर हो गए, मुख्तलिफ क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे? मैं यहाँ एयरपोर्ट से मुझे इलम नहीं है, बाहर बहुत कम निकलता हूँ। अच्छा सर यही बताइएगा कि ये जो सड़कें बनी हैं किमाड़ी में, ज़िला किमाड़ी में अब सड़कें मुख्तलिफ बनना शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको कि ये कायम रहेंगी? इंशाल्लाह कायम तो रहनी चाहिए, कायम क्यों नहीं रहेंगी, अच्छी बनी हुई है, अभी तो हम चल रहे हैं तो बेहतरीन है। पहले कैसे हालात थे? बहुत बुरे थे, ये लोड टूट रहने की वजह से डाकू भी बहुत होते थे, लूटमार बहुत होती थी, क्योंकि टूटे रोड होते, गाड़ियाँ चल नहीं सकती, ये बसों में चले जाते थे, मोटरसाइकिल वालों को लूट लेते थे, मोटरसाइकिल छीन लेते थे, चलते मोबाइल में हाथ में भाग जाते थे। अब इसमें कमी आई है? बहुत कमी आई है, अब तो काफ़ी माशाल्लाह रेंजर भी चलती है, चल रही होती है, पुलिस भी चल रही होती है, तो इससे बहुत फर्क आया है। आप कह रहे हैं कि पुलिस की इंतजामिया यहाँ पर 24 घंटे होती है ज़्यादातर? 24 घंटे तो नहीं होती, लेकिन ये कि 10-11 बजे रात को 12 बजे तक होती है जी, उसके बाद तो हम भी चले जाते हैं, सुबह तक रात का भी देखते नहीं है कैसे झूठ बोले कि है या नहीं है। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि अभी बेहतरी आई है काफ़ी हद तक, आपको क्या लगता है सर कि ज़्यादातर होता ये कराची में कि बारिशों के बाद जो है वो सड़कें टूटना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार होती है, क्या लगता है ये भी ऐसा होगा या नहीं होगा? ये टूट गई थी, अभी दोबारा रिपेयर हुई है, टूट गई थी दोबारा रिपेयर हुई है जी, हाँ ये टूट गई थी सॉरी, ये खरा दर तक टूट गई थी, ये रिपेयर हुई है, इस तरह भी रिपेयर हुई है जी। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, ये क्यों तोड़ते हैं बार बार, ये एक बार में
अच्छा ठीक है, बारिशों की वजह से, तो एक बार में ये आखिर जो है वो बनाते ऐसी क्यों नहीं है? अगर बाहर मुल्क की बात करें वहाँ पे भी तो बारिश आती है। हाँ ये बात है, अब बात की ना असल बात है, हमारे अंदर दो नंबरी छुपी हुई है, हमारे अंदर दो, ये रोड के अंदर अगर सही तरीके से बना जाए ईमानदारी से मसाला लगा के तो इसका बाप ही नहीं तोड़ सकता कोई, नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट से एक जो पैसा लेके 10 लाख रुपये मिलते हैं उसके पीछे जितनी फाइन लगी होती है ना 9 लाख उनको जाते हैं, 1 लाख का काम होगा 10 लाख वाला तो 1 लाख वाला ऐसा ही होगा। तो मतलब कसूरवार तो इंतजामिया ही होगी ना, पता और जिम्मेदार कौन है इंतजामिया के सिवा, और कौन जिम्मेदार है? हर एक का जिम्मेदार इंतजामिया, जो जिम्मेदार है वही जिम्मेदार है। सर ऐसा शहरी होने के नाते आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, हम भी तो करप्शन कर रहे होते तो वो भी थोड़ी सी कर ले तो ठीक नहीं है? नहीं करते, आटे में नमक होती है ना, ये नमक में आटा डालते हैं। हाँ इस तरह नहीं होता, थोड़ी सी कर ले तो काम चल जाए, ऐसे नहीं चलता काम। बस अल्लाह ताला हिदायत दे इनको, अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी आपको मैं आप इंटरव्यू ले रहे हो लेकिन हो सकता है उनको पता चले देख ले तो कल मुझे आके पकड़ ले, तू कौन होता है इधर बात करने वाला? सर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान है ये सर, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे पता, मैं जवाब दे दूंगा उनको भी, आएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, जुबान से नहीं तो हाथ से भी दवा दे दूंगा। आप बड़े गुस्से में क्यों, ऐसा क्या है? तो इतने गलत काम करते हैं तो गुस्सा तो आएगा, चुप चाप करके चल रहे हैं तो इसका ये तो मतलब नहीं है। हम पर कितना जुल्म हो रहा होता है हमें पता, हम अंदर की छुपा के बात पता है, किसी बात करेंगे होना कुछ नहीं है। तो फिर वोट क्यों देते हैं आप इनको सर? आज तक जिंदगी में वोट किसी को नहीं दिया, सिर्फ TLP के सिवा। फिर तो अच्छा आपने वोट दिया है TLP को? दिया है, वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए, बाकी वरना किसी को नहीं दिया। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई हूँ। और ये बात अच्छा मेरे भाई को लगता है कि TLP जो है वो तमाम तर मामलात को जो है वो हल भी करेगी और इनके बारे में जो है कराची के जो मसाइल है उसके बारे में TLP काफ़ी हद तक जो है वो इनको बदलेगी। बहरहाल बदलेगा कौन ये तो वक्त ही बताएगा, हम और आप तो नहीं बता सकते। लेकिन ज़िला किमाड़ी के आवाम के लिए एक चीज़ तो अच्छी है कि फ़ाइनली यहाँ पर जो है वो कुछ काम होना शुरू हो गया है। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ों में ज़िला किमाड़ी आज भी पीछे है लेकिन इस चीज़ में तो आगे है, ये अच्छी बात है। नाज़रीन आप तमाम लोगों को पता है कि जो है वो सड़कों के टूट फूट के शिकार होने की वजह से बस ड्राइवर जो होते हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी है वो भी टूट फूट का शिकार होती है। सर ये बताइएगा कि ये ज़िला किमाड़ी जो है वो अब बन गया है काफ़ी हद तक, कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल? माशाल्लाह तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सही रोड बना हुआ है, पहले तो बहुत टुकड़े टुकड़े था, अभी थोड़ा सा बहुत ख़राब है, बाकी सही है माशाल्लाह, हुकूमत ने थोड़ा बहुत काम कर दिया है। अरे पहले के क्या हालात थे? पहले तो बहुत बुरे हालात थे, हमारे पहाड़ों में ऐसे रोड नहीं थे जैसे अभी इस इलाके में थे, अभी माशाल्लाह तो बहुत अच्छे हैं और हुकूमत थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपको क्या लगता है सर ये कायम रहेंगी या फिर दोबारा से बारिश आएगी और फिर वापस सब खराब हो जाएगा? ऐसे तो पाकिस्तान में सही काम नहीं करते, तुक पालिश करता है, एक बारिश से सारा टुकड़े हो जाता है। सर कितना मुश्किल होता है अगर सड़कें खराब हो तो बस को कितना नुकसान होता है? ये बस के नीचे टेरों को देखना और बाकी ये बाड़ी माड़ी को देखना, सड़क की वजह से कटे जंप वगैरह इसकी वजह से सारा गाड़ियाँ खराब करती है और हम लोगों को पैसेंजरों को भी तकलीफ होता है और टाइम भी ज़ाया हो जाता है पैसेंजरों का, ये हिसाब किताब होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम मजीद भी जो है वो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनको कितनी हद तक जो है वो मुश्किल का शिकार है वो। सर सड़कों के बारे में पूछना है, सब खैर है, कहाँ भाग रहे थे सर आप? गाड़ी के बारे में। सर नहीं जाएगी गाड़ी आपको छोड़कर, रहने दे, जाने वाला कभी रुकेगा नहीं और रुकने वाला जो है ना वो कभी जाएगा नहीं। खैर ये बात तो अलग है, हम आपके बारे में बताएं सर, ये बताइएगा कि ये जो सड़कें हैं वो अब किमाड़ी की बनना शुरू हो गई है सर, क्या लगता है आपको ये कायम रहेंगी या दोबारा से खराब हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता? ये हुकूमत ही ऐसी चल रही है। कौन सी चल रही है? पाकिस्तान तो छिड़ा हुआ है ना, तो इमरान खान का पता चलता है ना नवाज शरीफ वालों का पता चलता है, ऐसे तो दुनिया क्या करें फिर, किसको बनाएं? आपको बना दे वजीर आजम? नहीं वजीर आजम तो हम नहीं बन सकते, हम चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा आए को जो आवाम को बनाए, और आवाम क्या बनाए आवाम को? आवाम कुछ बननी चाहिए, इलाकों क्या बननी चाहिए, आवाम होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए, कारोबार होने चाहिए, अभी तो सारे बिगड़े। तो ये जो पुराने इतने सारे लोग हैं आपको नहीं लगता वो करेंगे काम? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? अपने अपने चक्कर में पड़े। वोट क्यों दिया आपने? हमने नहीं दिया। किसको वोट दिया? हमने नवाज शरीफ को दिया था मगर उस दौर में ये अच्छे थे। अब क्या हुआ? आप तो देखें आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैंने तो काला चश्मा लगा दिया ताकि मैं मुल्क के हालात देख ही ना सकूं। आपको तो नजर आ रहा है ना, आप वोट नहीं देते तो आपके बदले का वोट कोई और ले जाता है सर, तो ये तो इसमें तो कसूरवार आप हुए। नहीं हमारे बंदे को ऐसे वोट नहीं जाता, जब तक हम लोग बोलते नहीं है कि ये हमारे गली मोहल्लों की सड़कें अच्छी होनी चाहिए,
या जो चीज़ हम बोलते नहीं है तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं देते। अब तो सर बन गई ना, अब तो काफी हद तक बन गई है, तो क्या लगता है आप वोट देंगे? इंशाल्लाह। किसको देंगे? नून लीग। नवाज शरीफ को? ये बनाया तो नून लीग ने नहीं है सर। जिसने भी बनाया मगर हमारा दिल उस पे है। मतलब तो आप ये तो सर शुरू में ही ये कह देते ना आपके, कोई भी हुकूमत हो कोई कुछ करे आपने नून लीग को वोट देना है। सर क्यों देना है नून लीग को वोट ये बताइए। अरे गरीबों के हमदर्द होते हैं। गरीबों के हमदर्द होते हैं सर? तो वो जो इनके ऊपर लगाए हुए भाग गया ये दुनिया तो ऐसी पता नहीं क्या से क्या दुनिया, तो अपने बाप को अच्छा नहीं समझती है, पता नहीं कहाँ से आ रही। सर आप तो अच्छा समझते हैं ना, अल्लाह करे। चले सर बहुत ऑल द बेस्ट है, आप दीजिएगा बिल्कुल नून लीग को वोट। हम लोगों से जानते हैं जी के मजीद लोग क्या कहते हैं, खवातीन क्या कहती हैं वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये आप जो है वो ये रोड देख रही हैं, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, ये पहले क्या हालात थे इन रोडों के? पहले तो बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं तो दूर रहती थी, अभी यहाँ किराए पे रहते हैं, आज इधर कल किधर आज इधर कल किधर, नजर भी नहीं है, एक आपकी बिल्कुल नहीं है, और बेवा बच्चे बेटे नहीं है, तो क्या रास्ता देखेंगे? किराया होगा अभी ये दूसरा दिया जब गाड़ी में चढ़े। अच्छा ये बताइएगा आपके आप जो है वो माशाल्लाह से, पहले तो आप इतनी प्यारी है, सबसे पहले तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से आप। प्यारी बेटा बहुत प्यारी हूँ मैं। अरे वाह, मतलब आप खुद मानती है कि आप प्यारी है? हाँ, मेरे से कोई सही होएगा मैं उससे प्यार से करूँ, और अगर कोई आपसे खराब हो जाए तो वो उसका नसीब मेरा नसीब। हाँ मतलब ये अच्छी बात है कि मैं आपको देख रही हूँ, आप कह रही है कि मैंने आपको कहा आपकी तारीफ की तो आपने कहा हाँ मैं तो प्यारी हूँ। प्यारी तो ये है देख। अच्छा ये बताए आप हुकूमत वगैरह में किसी को सपोर्ट करती है? हुकूमत हमको सपोर्ट नहीं करती तो हम हुकूमत को क्या करें? देखो रमजान का राशन होता किसका होता है? बेवों का होता है नहीं, जिसके बेटे नहीं होते उसका होता है नहीं। हाँ हमारे को एक बोले दाना भी किले से कोई नहीं दिया, तो क्या फिर हुकूमत को करे? बोलो सही कह रही है, जब आपको कोई नहीं सपोर्ट करता तो आप क्यों सपोर्ट करेंगी? क्यों करे? हाँ हमारे को कोई करे नहीं, हमारा बेटे नहीं है, हमारा मियाँ नहीं है, एक जेनी हमको खाना नहीं मांगता है, घर का किराया नहीं मांगता है। कह दे आज ये हुकूमत को आप कह दे, क्लियर क्लियर कह दे कि क्या क्यों सपोर्ट नहीं करते? हमको करे नहीं तो हम भी करेंगे, जान से करेंगे, क्यों नहीं करे? जो हमको करेगा हम उसको करेंगे। नहीं बिल्कुल सही कह रही है, बहुत शुक्रिया भाई। ये कह रही है कि जो हमें सपोर्ट करेगा हम तो उन्हें सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यारी माशाल्लाह से अम्मा है, और वो क्लियरली कह रही है कि जो हमें सपोर्ट करेगा हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन हमने आपको जो है वो आज दिखाया है, कोशिश की है एक छोटी सी हमारी तरफ से कि हम आपको ज़िला किमाड़ी की थोड़ी सी सड़कों के बारे में जो है वो बताएँ, ज़िला किमाड़ी के बारे में बताएँ। यहाँ पर जो शहरी है उन्होंने कहा है कि ज़िला किमाड़ी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ बेहतरी जो है वो नज़र आई है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बसें या ट्रांसपोर्ट तो दूर की बात है, आम इंसान भी यहाँ पर ठीक से चल नहीं पाता था, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैं कहूँगी कि ज़िला किमाड़ी के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली जो है वो अब यहाँ की सड़कें कुशादा है, यहाँ पे जो है वो सड़कें पर ट्रैफिक रवा दवा है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक बात रही दीगर मसाइल के हवाले से, वहाँ तक जो है वो ज़िला किमाड़ी के लोग अभी भी मुंतज़िर है कि कब जो है वो यहाँ पर जो क्राइम की वारदात है उनमें कमी आएगी, कब आखिर जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के जो है वो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर मंशियात मैसर होती है, कब आखिर जो है वो मंशियात को कंट्रोल करने के लिए ज़िला किमाड़ी और पूरी इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक होती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।